सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। अगर दोस्तों आपने यूपी टेट 2019 में भाग लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों यूपी टेट के प्रश्नों के जो उत्तर है उसका मामला जो है वह कोर्ट तक जा पहुंचा है, तो अब चलिए इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूरा मामला क्या है। यूपी टेट 2019 की परीक्षा 8 जनवरी को हुई और उसका उत्तर कुंजी जारी किया गया और उस उत्तर कुंजी पे पीएनपी द्वारा आपत्ति मांगा गया और विभिन्न प्रश्नों पर बहुत सी आपत्तियां दर्ज की गईं। लेकिन दोस्तों जो पीएनपी द्वारा फाइनल आंसर की जारी की गई उसमें लगभग सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, तो अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट में 5 प्रश्नों को लेकर याचिका दायर की गई है और इसी पे कोर्ट ने पीएनपी से जवाब मांगा है। दोस्तों देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाई कोर्ट ने पूछा अनुच्छेद 356 का प्रयोग देश में पहली बार कब हुआ, यूपीटेट 2019 के 5 प्रश्नों पर आपत्ति के बावजूद नहीं किया सुधार। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2019 के 5 प्रश्नों के जवाब गलत होने को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी से 3 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अनुच्छेद 356 का पहली बार प्रयोग कब हुआ और सरसों शब्द पुलिंग है या स्त्रीलिंग पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचिका द्वारा उठाई गई आपत्ति पे प्राधिकारी से स्पष्ट जवाब हलफनामे के मार्फत दाखिल करने के लिए कहा है। टीईटी अभ्यर्थी अखिलेश की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी सुनवाई कर रहे हैं। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची ने 8 जनवरी 2020 को आयोजित टीईटी की परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा के बाद 13 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी की गई। याची ने ए सीरीज पुस्तिका के हिंदी खंड 2 के प्रश्न संख्या 35 और खंड संख्या 5 के प्रश्न संख्या 124, 139 और 144 पर आपत्ति दाखिल की गई, मगर उसकी आपत्ति का निस्तारण किए बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। याचिका में कहा गया है कि एक प्रश्न की अनुच्छेद 356 का प्रयोग देश में पहली बार कब किया गया के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1957, बिहार 1958 और मध्य प्रदेश 1957 दिए गए हैं। याची ने पहले विकल्प जम्मू कश्मीर 1956 को चुना है, जबकि प्राधिकारी की उत्तर कुंजी में केरल 1957 को सही विकल्प माना गया है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, विकल्प था कील, संतान और सरसों। याची ने अपने जवाब में सरसों को सही माना है, जबकि उत्तर कुंजी में संतान को पुल्लिंग माना गया है। याचिका में मान्य पुस्तकों का हवाला देकर कहा है, याचिका में मान्य पुस्तकों का हवाला देकर कहा गया है कि याचिका उत्तर ही सही है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों के सही जवाब को लेकर मान्य पुस्तकों का हवाला दिया गया है। याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी। दोस्तों इसी तरीके से कई न्यूज़पेपरों में यह खबर है, टीटी 19 के 5 उत्तरों पर जवाब तलब। दोस्तों अब देखना होगा कि पीएनपी हाई कोर्ट को क्या जवाब देती है इस मामले में और फिर प्रश्नों के उत्तरों में कोई बदलाव होते हैं कि नहीं और इस बदलाव से आपको फायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। दोस्तों जैसा भी अपडेट होगा हम आपको तुरंत ही चैनल पे देंगे। बाकी दोस्तों यह वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे और आप यूपी टेट सी टेट और अपने डीएलएड की पढ़ाई अच्छे तरीके से आसानी से कर पाएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।